दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको अपना जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट डिलीट करना है तो कैसे करना है। आपके पास मल्टीपल जीमेल्स है जिसका यूज़ नहीं करते और ऐसे ही आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है, आपको डिलीट करना है, नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से मैं सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप डिलीट कर सकते हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गलती से कोई और जीमेल मत डिलीट करना जो आपका ओरिजिनल है। तो वो कंफर्म करने के लिए आपको अपने जीमेल में जाके देख लेना है कि कहीं ना आपने वो सेलेक्ट जो करा है वो पुराना वाला जीमेल, मतलब जो इम्पोर्टेंट जीमेल है वो तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से करनी है, बाकी प्रोसेस क्या करनी है वो तो मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बट उससे पहले बता रहा हूँ, कभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे, बहुत सारी कैटेगरी के वीडियोज़ अवेलेबल चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर आपको चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो फिलहाल मुझे जो जीमेल अकाउंट डिलीट करना है तो उसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आपको लोगों से ध्यान रखना, एक बार चीज़ मैंने जैसे बताया कंफर्म कर लेना, तो आपको कंफर्म करने के लिए ये यहाँ पे लोगों पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो जीमेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और नीचे और भी बहुत सारे जीमेल देखने को मिल जाएगा जिसको आपको कंफर्म करके देख लेना है कि वही जीमेल सेलेक्ट है या नहीं। तो वो पहले सेलेक्ट करिए, फिर उसके ही अकाउंट यानी कि गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे गूगल पे क्लिक करते हैं, गूगल अकाउंट पे सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें है पर्सनल इन्फो, डेटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पीपल शेयरिंग, पेमेंट वगैरह लिखा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर डेटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है और एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो है गूगल सर्विस, उस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस आएंगी वो आपको पहले एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिए कि आपके पास वो पासवर्ड होना चाहिए, उस जीमेल का याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा। बट इसमें लिंक है तो उसमें ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, शायद कंफर्म कंटिन्यू कर लेते हैं। एक बार वेरीफाई करता है जीमेल की कि आप ही या फिर ये रोबोट है क्या है। अगर हम सही से पासवर्ड वगैरह दे देते तो उसको पता है, पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा वही है। तो कंफर्म मैंने कर लिया। कई बार पासवर्ड पूछा जाता है तो पासवर्ड आपको डालना पड़ता है अपना जीमेल अकाउंट का। तो यहाँ पर देखिए, अभी देखिए यहाँ पर दो सर्विस बता रही है, यूट्यूब एंड जीमेल। मैंने यूट्यूब चैनल कैसे डिलीट करना है वो भी बताया। पहले यहाँ पे वन वीडियो अपलोड आ रहा था जो मैंने उस लास्ट एक वीडियो में बताया यूट्यूब चैनल कैसे डिलीट करना है, तो वो डिलीट हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे यूट्यूब का सर्विस ज़रूर आया लेकिन इस जीमेल पे कोई भी चैनल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जीरो लिखा है। और यहाँ पे जीमेल यहाँ पे चार कन्वर्जेशन है तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये सर्विसेज डिलीट कर सकता है, सर्विस मतलब जीमेल को डिलीट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं कि यहाँ पे आके डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सर्विसेज है वो डिलीट होती है, जैसे कि जीमेल की, गूगल की जो सर्विस होती है, यूट्यूब, जीमेल, ड्राइव, ये सब कुछ सर्विसेज होती है तो वो डिलीट होती है। यहाँ से बहुत सारे बंदे बताएंगे लेकिन बाद में वो जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट डिलीट नहीं होता। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में दिखाया, आपने मैंने दिखाया था ये लास्ट वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यही चीज़ आपको गलती नहीं करनी, मैंने पहले भी बताया कि आप गलती करेंगे तो फिर डेफिनेटली पूरा अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो आपको डिलीट योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारा पूरा गूगल अकाउंट डिलीट होगा, सर्विसेज नहीं डिलीट करनी है। हमें सर्विसेज डिलीट करनी है तो फिर वो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा गूगल सर्विसेज में जाके। एक चीज़ यहाँ पे भी है, ये वाला प्रोसेस, आप यहाँ से सर्विसेज में जाते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा, शायद स्टार्टिंग में मिल जाएगा। इसमें अभी आता या नहीं देख लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं आता, स्टार्टिंग में मैंने ओपन किया था तो वो आ चुका था लेकिन अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है उसका सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि आप यही डिलीट हो जाएगा वगैरह वगैरह लिखा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जीमेल, यूट्यूब, कैलेंडर, ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा यहाँ पे बता रहा है। फिर भी आपको डिलीट करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें एक्नॉलेजमेंट है और यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करने का आप परमिशन वगैरह दे रहे हो, मतलब टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नीचे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई और जीमेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका, मतलब दूसरी जीमेल जो हमारे फ़ोन में अवेलेबल है बहुत सारी जीमेल, उसमें से एक जीमेल यहाँ पे आ चुकी है। तो वो जीमेल हट चुके, देख लेते एक बार कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे लोगों पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने लोगों पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो वो दूसरी जीमेल है और इस लिस्ट में से वो वाली जीमेल यहाँ पे लास्ट पे आ चुका है जिसपे ये लोगो हट चुका और यहाँ पे इस तरह से डेस आ चुका, मतलब कि ये जो अकाउंट है, मतलब ये जो जीमेल है वो 7 दिन के अंदर, सॉरी 7 दिन इसमें कुछ टाइम लगता है, तो उसके अंदर आपको वापस साइन इन नहीं करना है। ये चीज़ आपको साइन इन करेंगे तो वापस आ सकती है ये जीमेल।
तो साइन इन नहीं करना, आपको ऐसे छोड़ देना है। लगभग मैक्सिमम 30 दिन शायद लगते हैं, या कुछ 7 दिन का टर्म एंड कंडीशन इसका। एग्जैक्टली मुझे अभी इस टाइम तो याद नहीं है, अगर जो भी डेटा होगा वो साइन में मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसके अंदर, उस डे के अंदर आपको एक बार भी लॉगिन नहीं करना। लॉगिन करेंगे तो शायद वापस आ जाएगी जीमेल। तो लॉगिन अगर आपको परमानेंट डिलीट ही करनी है तो फिर लस हो, साइन इन मत कीजिए, मतलब लॉगिन मत कीजिए। और आपको कल ऐसा लगे कि मुझे डेट नहीं करे तो फिर कल आप साइन इन वापस कर लीजिए। ये साइन इन से मतलब जो प्रोसेस चल रही है वो वापस बंद हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे ये डिलीट ही करना है। तो रिमूव पे क्लिक करेंगे तो अपने फ़ोन से भी रिमूव हो जाएगी। ओके, मैंने एक दो जीमेल एक्स्ट्रा रिमूव कर दिए, तो कोई बात नहीं, उसको तो आप लॉग इन कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली एक चीज़ और करनी है कि आपको उस जीमेल को डिलीट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जीमेल पे जाता हूँ तो वो जीमेल यहाँ पे शो करेंगे। जैसे मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे जीमेल शो कर रही है, वो अभी डिलीट नहीं हुई है, प्रोसेसिंग में चल रहा है लेकिन डिलीट नहीं हुए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा है, ये एक्शन रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखता है, यहाँ से एक यूज़र एड अकाउंट पर अगर जीमेल दिख रही है तो वो डिलीट कर लीजिए। गूगल में जाएंगे और फिर यहाँ पे दिख लीजिए ये जीमेल नीचे दिख रही है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके रिमूव अकाउंट कर लेते। एक चीज़ यहाँ पे देखिए जीमेल यहाँ पे हट चुका, बाकी और भी सर्विसेज चालू, इस वजह से इसको डिलीट कर लेते। ये पूरी की पूरी जीमेल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखते हैं, इनकेस आपको गलती से आपने वापस साइन इन कर दिए तो वापस यही प्रोसेस करनी है। और उसके बाद आप जो जीमेल अकाउंट है यहाँ से सेटिंग में जाके डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से जीमेल अकाउंट या कह सकते हो गूगल अकाउंट आपको डिलीट करना है तो कर सकते हो। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।